आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान के लिए ईवीएम की जानकारी देने जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके चलते दुर्ग कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया ईवीएम मशीन। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन से किस तरह से अपना मतदान कर सकते हैं, इसे लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके चलते दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में भी ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण के साथ जागरूकता लाने एक सेट रखा गया है। यहां पहुंचे कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सरसित घोष ने ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण देख अपनी बात कही। यहाँ पे आज ईवीएम का ये टेस्टिंग करके ईवीएम पैड के साथ मशीनों के साथ ये आज मैंने चेक किया, जिसे अभी तो फिलहाल मैं पा रहा हूँ कि इट्स वेरी फाइन एंड ओके, बट इसमें कलाकारी ये होती है फाइनली ईवीएम में, ईवीएम के हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल्सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मशीनें हैं ये मशीनें क्लॉक स्पीड से चलता है। उस क्लॉक स्पीड में अगर आपने पहले से अगर डेमोनेशन कर दिया है, उसमें अगर डिज़ाइन कर दिया है, तो वो चीज़ वही आएगा लेटर ऑन स्टेजेस में। आपको भले आज दिख रहा है ये है, लेकिन फाइनली जब आप दिखाएंगे, फाइनली जब आंकड़े कुछ आएंगे, तो वो जो आंकड़ा फिट किया हुआ रहेगा वही आएगा। तो ये प्रूफ भी कई बार हो चुका है, कई बार किए भी हैं, और ये कोर्ट में भी प्रूफ किया गया, स्टिल कोर्ट इज नॉट अलाउइंग या फिर सिस्टम इज नॉट अलाउइंग, ये हमें देखना है। और मैं आगामी इसमें मैं चाहता भी हूँ कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा हमारे यहाँ पे PIL लगा के, कि कम से कम ये सब ना होकर बैलेट पेपर को यूज़ किया जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दुर्ग जिले के 4 विधानसभा मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने एक एक सेट मशीन वाहनों के साथ भेजी जा रही है, जो प्रतिदिन शेड्यूल के हिसाब से वहां मौजूद रहकर लोगों को जानकारियां प्रदान करेगी। इस संबंध में न्यूज टीम को किशोर वर्मा नायब तहसीलदार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं माननीय कलेक्टर श्री पुष्पेन मीना साहब के नेतृत्व में हमारी टीम, इलेक्शन की टीम अभी ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रही है। ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग 4 गाड़ियाँ नियुक्त किए हैं, जो कि अलग अलग विधानसभा को कवर करेंगी, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी, वैशाली नगर एवं भिलाई नगर। इसके अलावा एक बूथ जो है यहाँ पे बनाया गया है कलेक्ट्रेट में गेट के सामने ही, और 2 बूथ तहसील परिसर में बनाया गया है। लोगों की तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं ईवीएम के संबंध में, जैसे अभी मैं सुना एक नेताजी बोल रहे थे, जबकि उनको हमने पूरी तरह संतुष्ट भी कर दिया था कि गलत तरीके का उपयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम एकदम फेयर मशीन है। ईवीएम का सबसे पहले FLC होता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग, जो कि हैदराबाद से इंजीनियर की टीम आके करती है। उसके बाद फिर रेंडमाइजेशन भी होगा, बूथ भी कंप्यूटर एलोकेट करता है। ये पर्चियां जो दिख रही हैं, ये नेताजी खुद ही निकाले थे, जो कि एकदम सही पाया गया था। पर्चियों में कोई छेड़छाड़ का संभावना ही नहीं है। मैं काफ़ी ईवीएम को काफ़ी यूज़ किया हूँ, पिछले चुनाव भी यूज़ किया हूँ, कोई छेड़छाड़ का संभावना नहीं है। यही सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर लगाए हैं माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, तो लोगों में डाउट जो है ख़त्म हो जाए और लोग खुल के वोट करें। दुर्ग जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं, चारों विधानसभा में हर एक बूथ में कवर किया जा रहा है, और मैं तो लोगों से अपील करूँगा कि जाके अपना वोटिंग का चेक करें, मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन चेक करें, ताकि उनके मन में किसी तरह का शक सुबह न रहे। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।